पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, बट मेरे साथ तो होता है कि पूरे साल भर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ फोटोज मुझे दिखती रहेंगी, फोन में लैपटॉप में दिखती रहेंगी, और जिस दिन उसका बर्थडे आएगा और मुझे लगेगा यार चलो उसके साथ फोटो लगाता हूँ, वो फोटो मिलती ही नहीं है। पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है नहीं होता, बट मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा मैं ढूंढता रह जाता हूँ फोटोज कहाँ है यार, अभी तो दिखी थी मुझे यार, अभी पिछले हफ्ते तो दिखी थी, कहाँ गई मैंने, और फिर सारा टाइम ऐसे निकल जाता है, सोचता हूँ चलो ठीक है अभी नहीं मिल रही, थोड़ी देर में ढूंढूंगा, एक घंटे बाद ढूंढूंगा, वो सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है, फोटो भी नहीं डाल पाते। तो अभी यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से केक बनवा रहा हूँ, क्यों बनवा रहा हूँ इसके लिए आप ब्लॉग देखते रहो, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, और इसमें मैं सरप्राइज देने जा रहा हूँ किसी को, तो ब्लॉग में बने रहना, आपको मजा जरूर आएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुशीष वाल। तो आज थोड़ा स्पेशल डे है मेरे एक दोस्त के लिए, उसके मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है आज। स्पेशल क्यों है ये आपको ब्लॉग के एंड तक पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी मम्मी के लिए केक बनाया जाए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत केक बनाती है, तो मैंने सोचा एक केक बनवाता हूँ अपनी मम्मी से। तो मैंने केक बनवा दिया और अब मैं जा रहा हूँ उसके घर। बहुत शॉर्ट ब्लॉग होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा था आपको कि कैसे कैसे हम लोग सरप्राइज करते हैं। और ये आ गया मेरे साथ। हेलो सर, तक नेगी थोड़ा दिखा दे अपना फेस तो दिखा दे। हाँ ये है, इसने अपने बाल खुद काटे हैं। हाँ, जैसे देख रहा होगा एकदम परफेक्ट। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट उसे घर और देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, लेट्स गो। हम आ गए रिति के घर और मैं आंटी का सरप्राइज रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड बटन नहीं दबाया। फ्रेम में नहीं आ रहा। आंटी का ऑटो काटो, जा तू भी जाना। Happy anniversary to you. Happy anniversary. Thank you. God bless you all. Thank God you. अब खा लो ना। ये। Thank you. कैसा हो रहा? गर्म होगा ना थोड़ा? हाँ। ज़्यादा गर्म तो नहीं है? मुंह तो जलने वाला नहीं? नहीं मुझे। नहीं अभी थोड़े थोड़े ही खा लो, वहाँ ठंड होगी खा लो ना। आंटी थोड़ा सा मैं। Thank you. जैसे बनता नहीं तुझे खिलाना, बट खा ले। दोस्तों के साथ, बच्चा के साथ मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना। तो आंटी आपको कैसा लगा फिर हम आपके लिए केक लाए थे? मुझे आज बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने मुझे वो खुशी दी जो मैं सुबह से बहुत उदास थी, लेकिन अब आके थोड़ा बच्चों के आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने सोचा आंटी को भी थोड़ा स्पेशल फील कराते हैं आज के दिन। बहुत अच्छा स्पेशल फील कराया सच, मुझे नहीं तो बहुत उदासी हो रही थी मन में, अकेले अकेले बच्चे के आने से रहना था। है ना, कोई नहीं, रिश्तेक भी है आपके साथ, हेल्प करता है भाई? करता है, पता नहीं करता है कि नहीं करता। आंटी कहीं कैमरे के सामने बोल रही है, मुझे तो लगता ना, कम ही करता, बहुत कम करता है। मैंने सच्चाई बोली, ठीक है ठीक है। और ऋतिक तुझे कैसा लगा, तू भी आ जा एक बार? बहुत अच्छा लगा मेरे को, दोनों दोस्त आ गए थे। अच्छा, और आंटी को थैंक्स जिन्होंने केक भेजा। आंटी बहुत अच्छा बोला, केक कैसा लगा? केक बहुत अच्छा था, मम्मी को थैंक यू बोलना, लेके आना मम्मी को। हाँ ठीक है, हाँ लेके आऊंगा लेके आऊंगा, ठीक है फिर। Okay, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और थैंक यू सो मच सबको। ओके चलो ठीक है, बाय 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 बाय। रुको जरा, सबर करो, अभी थोड़ी सी चिट चैट और बाकी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे सरप्राइज दे, मतलब मैं नहीं, कोई ऐसा मेरा दोस्त आया, कोई आपके रिलेटिव आया, आपका कोई भाई आया, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, जब भी कोई मतलब कोई सरप्राइज दे तो अच्छा ही लगता है, कोई भी चाहे वो, मन को तो अच्छा लगता है, भले एक्सप्रेशन ना हो पाए तो अच्छा लगता है। हाँ मतलब हम लोगों को ऐसा है कि मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट अंदर ही अंदर मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार ये आया हमसे मिलने। सबसे बड़ी बात है टाइम निकालना, आजकल की जिंदगी में मतलब फ्री सब हैं, फ्री सब होते हैं, बट ना कोई टाइम देना नहीं चाहता किसी को, मोबाइल में लगे रहते हैं सब, किसी को टाइम नहीं देते। आजकल के तो माँ बाप भी फोन पे लगे रहते हैं देखो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बस इस व्लॉग से, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी का भी कुछ होता है बर्थडे या कुछ एनिवर्सरी होती है, तो उसको जाके थोड़ा सरप्राइज कर दो, या कुछ भी मतलब थोड़ा सा एक चॉकलेट ही दे दो। हाँ चॉकलेट दे दो, मतलब उस बंदे का दिल खुश हो जाएगा, पूरा दिन मतलब उसका अच्छा रहेगा। जैसे अगर किसी इंसान को कॉम्प्लीमेंट कर दो तो उसका पूरा एक दो घंटे बहुत अच्छे निकलते हैं कि यार है ना कि यार इसने तारीफ कर दी, भले ही झूठी करी हो, बट उसका दो तीन घंटे मस्त निकलते हैं कि यार अच्छा जिसने मुझे सुंदर बोला यार। तो ऐसा होता है, तो इसलिए जाओ थोड़ी खुशियां बांटो और मजे करो। और दो साल पहले जब मेरी जॉब स्टार्ट ही हुई थी हैदराबाद में, तो पापा का भी बर्थडे था, तो मैंने पापा को भी ऐसे सरप्राइज एक गिफ्ट दिया था, वो मैंने इंस्टाग्राम में डाला था, वो मैं फुटेज आपको दिखा देता हूँ। चलो कल देख रहे हैं।
थैंक यू सुया, थैंक यू। कर द पिज़्ज़ा। थैंक यू, थैंक यू सुयस। और यार पिज़्ज़ा एंड केक, केक सुयस शाम को काटेंगे। लो आप खाओ। वाओ टेस्टी पिज़्ज़ा, बहुत अच्छा। और ये जो व्लॉग मैंने बनाया था, ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ऋतिक की जो बहन है वो बाहर रहती है विदेश, वो यहाँ आ नहीं पाई, तो मैंने बोला चलो वो भी देख लेंगे ये व्लॉग। मतलब मेरा मोटिव व्लॉग से ये रहता है कि उनके जो रिश्तेदार परिवार वाले हैं वो भी देख सके, इस जो मोमेंट चल रहा है उनके घर में वो देख सके, तो मेरा मोटिव मेन यही रहता है। तो चलो बैन कर देते हैं फटाफट, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।